उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा दिया है यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है। सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का भी कार्यकाल बढ़ गया है। 27 मई 2023 तक सरकार ने ये बढ़ा दिया है कमेटी का कार्यकाल। कमेटी तैयार कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट और अब तक यूसीसी कमेटी को 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। और आपको बता दें कि यूसीसी कमेटी मुख्यमंत्री धामी दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद उन्होंने ये टीम गठित की थी और कहा था ये कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके बाद सरकार को सौंपेगी और उसके बाद जो सुझाव होंगे उसके बाद इसे कानून बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब इस कमेटी की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को कि जब मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उन्होंने टीम गठित की थी और इस टीम में कई लोग शामिल थे, रिटायर्ड जज भी शामिल थी, और ऐसे में जब ये टीम ने ड्राफ्ट बना भी दिया था, बीच में ये खबर आई थी और उसके बाद ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था, अब इस कार्यकाल को बढ़ाने का तात्पर्य क्या है? जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था क्या सुझाव ऐसे लिए जा रहे हैं जो उससे ड्राफ्ट में मेंशन किए जाएंगे उसके बाद इसको कानून में परिवर्तित किया जाएगा? ठीक है, अगर बात करें जिस तरीके से चौकी जी जब ये पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है दोबारा उसका मुख्यमंत्री पद संभाला था उसके साथ ही उन्होंने अपने दृष्टि पत्र में भी जो है बाकायदा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू किया जाएगा और इस पर बाकायदा जो है कड़ी तत्परता से यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए विरोधाभास भी हुआ था, विपक्ष हमला भी हुआ था, कई चीजों को लेकर खामियों की बात यहाँ पे आई थी, उनका कहना था कई जगह धर्म की बात सामने आई थी कि ये हमारे धर्म से जुड़ा मुद्दा है, परंतु इसको लेकर अब जिस तरीके से एक कमेटी गठित की गई थी उसका बाकायदा ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया था और ये लागू होने की स्थिति पे आ गया चुका था क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है ये सौंप दी थी। परंतु अभी जिस तरीके से यहाँ पे अभी बात चल रही है उसमें ये कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, परंतु ये सोचने वाली बात है कि कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि 23 मई तक जो है 2023 तक ये जो है कार्यकाल बढ़ा गया और इसमें जो है अभी जिस तरीके से अगर आम जनता के प्रस्ताव की मांग की थी तो अभी तक जो है 2.5 लाख प्रस्ताव जो है पास हो चुके यहाँ पे जो है कमेटी कर चुके थे, परंतु अब जिस तरीके की बात की जाए उनका कहना था कि अभी आगे और जिस तरीके का, क्योंकि कई जगह जो है धर्मांतर जो धर्म गुरु है वो भी इसको कहते हैं कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, इन चीजों को तमाम को लेकर हो सकता है कि ये जो कार्यकाल बढ़ाया इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाया गया। बिल्कुल जी। पर अवनीश जी, जिस तरह से वक्त तकरीबन कमेटी को 1 साल या कुछ 8 महीने का तकरीबन वक्त लगा था रिपोर्ट पेश करने में, तो जाहिर है कमेटी ने रिपोर्ट इसी चीज की पेश की होगी कि क्या अच्छाइयां रहेंगी क्या बुराइयां रहेंगी या कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इसका नुकसान और नफा है। तो ऐसे में जब ये पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई अब उसके बाद ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया कि सुझाव लिए जाएंगे, यानी कि फिर अगर जो वक्त लिया रिपोर्ट सौंपने में तो रिपोर्ट तो इसी चीज की सौंपी होगी कि आखिर इस कानून के क्या लाभ और क्या हानि है, इसका रूप क्या होगा, तो अब ऐसे में ड्राफ्ट और लोगों के सुझाव से क्या इंप्लीमेंट होगा इसमें? बिल्कुल देखिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ ये संदेह की स्थिति जरूर पैदा हो रही है, कहीं कहीं बात जो है विपक्ष भी इसको बात को कर रहा है कि अगर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। उनका कहना था कि जिस तरीके की यहाँ पे जो अभी मजहब की बात की जा रही थी, धर्म गुरुओं की बात की रही थी, आम जनता की राय ली जा रही थी, तो अभी जिस तरीके से कमेटी ने पहले भी अपनी रिपोर्ट की बात यहाँ पे की गई थी, हालांकि सरकार ने उसको नकारा था कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु ये कमोवेश की बात थी। अब जिस तरीके की बात चल रही है कि तो क्यों अभी ये खुलासा नहीं कर पाई है सरकार कि जो सुझाव आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, नेगेटिव आए हैं पॉजिटिव आए हैं, ये भी कोई खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से सत्र चल रहा है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जरूर उठेगा, परंतु मामला जो है धर्मांतरण तक जो है सीमित होकर रह गया और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई निर्णय नहीं आया था, इसको लेके अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2023 की बात की जा रही है हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कोई खामियां जरूर हो। बिल्कुल, और ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो जाहिर है कि किसी एक वर्ग को नाराज करने की भी हिमाकत शायद ना करना चाहते हो या इसे थोड़ा सा खींचना चाहते हो, इस वजह से लेट लतीफी सरकार कर रही है, भी वजह हो सकती है। बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जी। तो ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से जिन्होंने ये जानकारी दी है कि विपक्ष भी इस पूरे मसले को उठा रहा है कि जब रिपोर्ट सौंप दी गई है इतना वक्त कमेटी ने लगाया है फिर कार्यकाल बढ़ाने का मतलब क्या है, अब सुझाव लेने का तात्पर्य क्या है और सुझाव लिए जा रहे हैं तो फिर आखिर कानून कब तक बनेगा, क्या ये एक जुमला है, क्यों सरकार वक्त लेना चाहती है, तमाम तरह के सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं।